पूर्व परिवहन मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि वीरवार को रैत के चंबी मैदान में होने वाली राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की परिवर्तन रैली में नगरोटा बगवां विधानसभा क्षेत्र से लगभग 12,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारों को रोजगार देने में पूर्णतः नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था और आज 5 वर्ष के पश्चात भी वे 2 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए हैं, जिससे बेरोजगारों, किसानों व पेंशन कर्मियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि अब 2019 के लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पुराने वायदे भुलाकर जनता को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। जीएस बाली ने कहा कि विकास के क्षेत्र में भारतवर्ष पूर्णतः पिछड़ गया है और भाजपा सरकार किसी भी क्षेत्र में कामयाब नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि इसी के मद्देनजर जनता ने अब कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना लिया है। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर सरकार भी नाकाम साबित हुई है। उन्होंने पिछले 15 महीनों में करोड़ों रुपए का कर्ज लेने के अलावा कुछ भी नया नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की फौज खड़ी हो गई है, लेकिन सरकार उनको रोजगार देने में उनका विफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा चाहे 4 लाइन का मुद्दा हो या प्रदेश में रेल लाइन बिछाने का मुद्दा हो, प्रदेश के चारों सांसद इसमें नाकाम साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के चारों सांसद सत्तारूढ़ पक्ष होने के बावजूद केंद्र से कोई भी नया प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में नहीं ला पाए हैं, जिससे जनता में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश की भाजपा सरकार के सिर पर लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और प्रदेश के मुख्यमंत्री हर महीने करोड़ों रुपए का कर्ज लेने के लिए दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विकास का कोई भी कार्य सिरे नहीं चल पाया है। जीएस बाली ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में प्रदेश की जनता बदलाव का मन बना चुकी है और कांगड़ा चंबा सीट से सांसद शांता कुमार के विरुद्ध वोट डालने का मन बना चुकी है। इस अवसर पर अजय वर्मा, पूर्व विधायक सुरेंद्र काकू, सुमन वर्मा, अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल आ रहे, बड़ा भव्य देव भूमि वीर भूमि में स्वागत होगा और स्वागत भी ऐसा होगा, ऐतिहासिक स्वागत होगा। हजारों लोग जहाँ ग्राउंड में होंगे वहीं पे हजारों लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर आपको नजर आएंगे, क्योंकि लोगों में बड़ा उत्साह है राहुल जी को सुनने के लिए और बड़ा गुस्सा और नाराजगी है कि सरकार के फैसलों को लेकर। ऐसे अनएम्प्लॉयड जो हैं उनके इशू के ऊपर बात नहीं हो रही, बिजली महंगी हो रही है उस इशू के ऊपर बात नहीं हो रही, सीमेंट महंगा हो रहा है उस इशू के ऊपर बात नहीं हो रही, पेंशन में वृद्धि होनी थी अनाउंसमेंट से है उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, गैस का सिलेंडर महंगा हो गया उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है, जो एक्चुअल इशू हैं उनको लेके लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, किसानों में गुस्सा है। इन चीज़ों के ऊपर इशू बेस्ड जो बात है उसको सुनने के लिए राहुल जी को बड़े प्यार से और भावुक होकर के हिमाचल की जनता सुनना चाहती है। बिजली जो है हिमाचल में जब राजा था चंबा का उस शुरू हो गई थी और ये चीज़ें जो हैं ये आज जल्दीबाजी का नतीजा है। जैसे 2,000 रुपये डाले हैं आज के अखबार में किसानों के पैसे वापस आ गए। तो सरकार जो भी कहे जो भी करे उसको सोच समझ के करना चाहिए, हर चीज़ को ध्यान में रख के करना चाहिए। और मेरा तो निवेदन ये है, जैसे कंपैशनेट ग्राउंड की बात कही, एक कंपैशनेट ग्राउंड के ऊपर बच्चों को नौकरियां मिलेंगी तो हम तो कह ही रहे हैं कि बच्चों को नौकरियां दें, मगर उसका